हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन सानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि CSIR 2023 जून ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, इस चैनल से 7 से 8 स्टूडेंट जो है वो GRF क्वालिफाई करे हैं और अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 स्टूडेंट जो है LS क्वालिफाई किए हैं। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने उसकी लिस्ट नहीं प्रिपेयर करी है और हम अपने तैयारी को CSIR 2023 दिसंबर के लिए कंटिन्यू कर दिया है। या वीडियो आपको देर में मिलता है, हर संडे को मिलता है, बट डेफिनेटली आज से शाम के समय आपको एक और PYQ स्टार्ट होने वाली है। तो आज शाम के 4 बजे आपको आना है इसी चैनल पे और इसी तरह से 5 क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस होगा। मेरा पूरा कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम से पहले जनरल एप्टीट्यूड के मिनिमम 5 या 6 साल के PYQ को डिस्कस कर लें और जो बाकी पोर्शन है, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री या डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दोनों में से किसी एक का जितना आज तक PYQ आया है उन सबको हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लें। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, CSIR 2023 Part 1 मॉर्निंग डोज, जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन समझने हैं, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझिए और लिखिए। पी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद, यहाँ पे क्या है कि पी स्टार्ट अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख, मीन्स यहाँ पे है ₹RS, कितना इन्होंने दिया है 30 लाख। 2 मंथ लेटर, 2 मंथ लेटर क्यू, यहां पे क्या है क्यू, 2 मंथ लेटर ज्वाइन विद अ 90 लाख, तो क्यू ज्वाइन हुआ 90 लाख के साथ। सब्सिक्वेंटली आर ज्वाइन विद 180 लाख 1 ईयर। देखिए यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। इंड प्रॉफिट ऑफ 1.2 करोड़, देखो प्रॉफिट भी इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ को अगर हम लाख में बदलेंगे तो 1.20 लाख हुआ। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, इफ द प्रॉफिट रिसीव बाय आर इज वाज 60 लाख, ठीक है, मंथ की बात यहां पे हम करें या ईयर की बात या टाइम की बात करें, मंथ्स की बात करें, ईयर या टाइम की बात करें, तो इन्होंने 1 ईयर, ईयर के लास्ट में बात करा है, मतलब पी के लिए टोटल 12 मंथ हुआ है। पी के स्टार्ट करने के 2 मंथ लेटर ज्वाइन हुआ है, मतलब अगर ये पी जो है 12 मंथ तक है तो 2 मंथ कम क्यू का होगा, बट हमें आर का मंथ नहीं पता है, ठीक है, तो आर के लिए हम यहाँ पे एक्स मंथ लिखेंगे। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट में सिर्फ किसकी बात करी है, आर की बात करी है, और आर के प्रॉफिट आपका क्या है 180 x = 60 लैक, ठीक है, ये आपका आर की प्रॉफिट है, करेक्ट। बाकी इन दोनों का प्रॉफिट की जो बात करी गई है तो इन दोनों की प्रॉफिट इन्होंने बोला है कि ये आपका जो है, इन दोनों की प्रॉफिट जो है वो बताया गया है 30 x 12 और 90
10, और चूंकि 60 इन दोनों का इंडिविजुअल दे नहीं रखा है, बट बोला गया कि इन दोनों का मिला के इनको कितना दिया गया है, 60 लाख दिया गया है, क्योंकि अकेला 60 लाख आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इसमें अब आपको, हमको लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके आगे अब समझने की बात है, थोड़ा आपको समझना है यहाँ पे। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे, क्योंकि ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पे क्या हुआ है कि 1.2 करोड़ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन इन द पार्टनरशिप। प्रोपोर्शन कितना प्रोपोर्शन में यूज हुआ है उसके हिसाब से दिया गया है, मतलब P प्लस Q जो है अपॉन R, P प्लस Q को 60 लाख और R को भी 60 लाख दिया गया है। इफ द प्रॉफिट रिसीव बाय द आर इज 60 लाख, हाउ मेनी मंथ आफ्टर द क्यू, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर द क्यू डिड आर ज्वाइन, ये हमें बताना है कि क्यू के कितने मंथ बाद आर ने ज्वाइन करा है, ये हमें बताना है। मतलब ये एक्स जो है टोटल बताया गया है कि कितने मंथ इन्होंने एक्स यहाँ पे हुआ होगा जब उसको 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आप लोग ये गलती करोगे, यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे जो आपको नहीं निकालना है, ये वाला कंसेप्ट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि किसमें ये डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने कैसे करा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करा है प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन इन द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट पे है, तो इसलिए मैंने पी प्लस क्यू बाई आर, पी प्लस क्यू इनका 60 अपॉन आर इसका 60। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो पी प्लस क्यू मतलब ये 30 × 12, 30 × 12 प्लस क्यू मतलब 90 × 10, आर 180 × x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें से आप 30 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 प्लस, इसमें से 30 को कॉमन लेंगे तो 3 × 10 इक्वल टू 30, 3 × 10 ना, यस, अपॉन 180 x इक्वल टू 1। इससे इसको कट कर दीजिए, 3 6 जा, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 3 and 1 4 अपॉन 6, इस x को इधर ले जाइए, हो जाएगा x, x इक्वल टू 6 7 जा 7, 42 मंथ। मीन्स इस एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू आप आ गई 7, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू आपकी 7 आ गई तो इनिशियली कंडीशन में पी 12 मंथ के लिए हुआ था, इसके 2 महीने बाद 10 मंथ के लिए इन्होंने क्यू ने यूज़ किया था, तो इससे इन्होंने टोटल 10 मंथ इन्वेस्ट करा है, क्योंकि 2 महीना बाद ही इन्होंने करा है, तो ये टोटल 7 7 मंथ इन्वेस्ट करा है। मतलब क्यू के कितने दिन बाद आर ज्वाइन करा है, तो क्यू के 3 मंथ बाद आर ज्वाइन करा है। क्यों? क्योंकि आर टोटल 7 मंथ यूज हुआ है, मतलब 7 मंथ इन्वेस्ट करा है, बल्कि क्यू 10 मंथ, 10 मंथ मीन्स 10 − 7 इक्वल टू 3, करेक्ट आंसर 3 है। लास्ट वाला पोर्शन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ये लगाया होगा जो कि गलत है, 7 नहीं होगा, 3 आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कभी पूछा गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर मेड फ्रॉम द डिजिट्स ए एंड बी इज 27। देखो यहां पे क्या दिया गया है, डिजिट्स दिया गया है। डिजिट्स जो है हम ए एंड बी यूज करेंगे, और ए बी यूज करके अगर हम कोई नंबर बनाते हैं, ए और बी यूज करके अगर हम कोई नंबर बनाते हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। एक है आपका बनने का नंबर 10a+b, या 10b+a, यही दो बन सकता है नंबर। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर मेड फ्रॉम डिजिट्स ए एंड बी इज 27। डिफरेंस बिटवीन मतलब इन दोनों नंबर जो हमने बनाया है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब समझ रहे हो ना, 10a+b-10b+a इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 27। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन ए और बी, मीन्स ए माइनस बी हमें, या बी माइनस ए। एक चीज आप याद रखिए, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कौन किससे माइनस होगा, तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो, ए डिफरेंस बी। इसको सॉल्व करते हैं हम, 10a+b-10b-a=27। 10a में से 1 मतलब a गया तो ये हो गया 9a, ये भी हो गया आपका 9b=27। 9 आपने कॉमन ले लिया, 9 आपने कॉमन ले लिया, तो a-b=27। तो a-b=27/9, तो 9 3 27, तो a डिफरेंस b=3। इसका भी आंसर आपका d मीन्स 3। काफी इजी थे, डिफिकल्ट तो नहीं था। यहां पे पूछा गया, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रेंडम फ्रॉम अ डिक डिक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखिए हम आपको बता दें कि 52 कार्ड्स में से आपका स्पैड्स 13 होता है जो कि रेड होता है, फिर हार्ट यह भी 13 होता है जो कि आपका ब्लैक होता है, इसके बाद डायमंड 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 में भी 13 होता है जो कि आपका ब्लैक होता है, इसके बाद होता है क्लब्स, इसके बाद होता है आपका क्लब्स जो कि आपका 13 होता है, क्लब्स भी आपका 13 होता है, और ये आपका रेड होता है। अगर हम टोटल रेड की बात करें तो आपके पास 26 रेड होगा और आपके पास 26 ब्लैक होगा। टिफर वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि एंड रूल में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एंड पूछा गया है, वन रेड एंड वन ब्लैक, तो एंड की जगह हम ऐड लिख दे। अब वन रेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, वन रेड आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 36 अपॉन 52।
इनटू इनटू, जब आप एक रेड हटा दोगे तो क्या हो गया टोटल आपका? अगर आप एक रेड हटा दोगे तो टोटल आपका कितना हो गया? 51 कार्ड हो गया। तो अगला चांस में है 26/51, ठीक है, प्लस वन ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। सेम ब्लैक आने के लिए भी क्या है 26/52 फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर 26/51 सेकेंड अटेम्प्ट में। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 ये हो गया आपका 13, ये आपका 2, ये आपका आ गया 13। मीन्स 13/51 प्लस 13/51 इक्वल टू 26/51, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, 26/51। जो यहाँ पे बात हो रहा है वहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 52 और 51 क्यों करा है, यह आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट हम आपको यहाँ पे बता दें कि जब आप जैसे एक रेड हटा दिया, मतलब एक कार्ड को आपने हटा दिया, तो दोबारा आपके पास टोटल कार्ड 52 नहीं रहा, उसमें ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा? पॉसिबिलिटी 26 है। और कितने कार्ड बचे? मतलब देखिए 52 आपके पास कार्ड थे, एक कार्ड आपने यहां पे हटा दिया रेड का, तो अब आपके पास टोटल कार्ड बचे 51, इसमें से ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 26/51 ये आएगी ब्लैक होने की। फिर आप कहोगे दूसरा वाला ऐड किया जो हुआ वो कहां से हुआ? तो ध्यान दीजिए, इसमें आपने रेड टू ब्लैक करा ना, अब हमने कहा कि 52 कार्ड में से एक आपने ब्लैक कार्ड हटा दिया, और ब्लैक कार्ड हटाने के बाद आपके पास बचा 51, अब रेड आने का। तो ये पलट के, मतलब एक बार रेड और ब्लैक, और दूसरी बार एक, मतलब वन फर्स्ट रेड देन ब्लैक और ब्लैक देन रेड, इन दोनों को मैंने ऐड करा है क्योंकि इन्होंने पूछा वन रेड और वन ब्लैक, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन किसके क्रम में, सीक्वेंस इन्होंने नहीं दे रखा है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर इसका होगा सी। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमने आई थिंक गेट वाले में करवा रखा है या फिर मैं टिफर वाले में करवा रखा हूँ। यहाँ पे पूछा है ए बी सी डी, मीन्स ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ई एफ जी एच इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड विद इन द स्क्वायर विद इट्स साइड पैरेलल टू द डायगोनल ए सी ऑफ द स्क्वायर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 16, तो द साइड ऑफ द स्क्वायर हमें बताना है। साइड ऑफ द स्क्वायर मीन्स ए बी, मान लीजिए कोई भी साइड ऑफ द स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, आप इसको मानो ए, इसको मानो एक्स, तो ये भी हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए, दैट इज ए, दैट इज एक्स। आपको पता है इसका पेरीमीटर, तो आप ये पता लगा लो कि ये कितना है और ये कितना है। ये दोनों पता लगाने के लिए क्या है? दैट इज अ 90 डिग्री, दैट इज अ 90 डिग्री। तो आप इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्राइंगल आपके पास है ए एफ ई, ए एफ ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से हिसाब से क्या होगा आपका? ई एफ, ई एफ इसका जो स्क्वायर है, यह स्क्वायर इसके स्क्वायर, और मतलब ए एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो ए एफ क्या है आपके पास? ए एफ है एक्स का स्क्वायर, ए भी आपका एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x², ये आपका क्या है ई एफ। ई एफ हमको पता नहीं है, तो हमने कहा कि ई एफ इक्वल टू
टू एक्स का स्क्वायर रूट अंडर में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर आ गया, एक्स रूट टू। ठीक है, अब आप इस वाले का लगाओ, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इससे क्या होगा, एफ जी इक्वल टू रूट अंडर, सेम फार्मूला है, यहाँ पे ए एफ लिखा था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ बी का स्क्वायर, एफ बी का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, फिर ए बी जी का स्क्वायर मीन्स प्लस ए स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो टू टू ए स्क्वायर रूट अंडर, तो ए रूट अंडर टू। अब आपको क्या पता है कि पेरीमीटर का जो है आपका पेरीमीटर रेक्टेंगल का 16 है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 16 है, मतलब जो आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 16, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू लेंथ, लेंथ आपने कहा एफ जी प्लस ब्रेथ एफ ई इक्वल टू 16। तो टू टू को आप इधर ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ जी प्लस ई एफ इक्वल टू 8। एफ जी की वैल्यू देखो, एफ जी की वैल्यू है ए रूट अंडर टू प्लस ई ई एफ की वैल्यू देखो, एक्स रूट अंडर टू इक्वल टू 8। यहाँ से क्या करो, रूट अंडर टू कॉमन ले लो, तो आपका आएगा ए प्लस एक्स इक्वल टू 8, ए प्लस एक्स इक्वल टू 8/√2। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बोले कि व्हाट इज द ए बी, ए बी इक्वल टू ए प्लस एक्स, व्हाट इज द ए बी, ए बी इज द साइड ऑफ स्क्वायर, करेक्ट आंसर इसका होगा 8/√2, दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 9। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको मिरर फार्मूला लगाना है, द स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर शेप्ड 1/4 इन द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द सर्कल्स आर कट इन टू द फॉलोइंग फिगर, पॉसिबल पैटर्न फुली अनफोल्डेड पेपर। अगर आप इसमें अनफोल्ड करोगे तो मतलब एक आपका कुछ इस तरह से कंडीशन आएगा पहला पेज, जिसमें क्या होगा, यह वाला आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये वाला बिंदी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सेम उसी तरह ये बिंदी यहाँ पे दिखाई देगा और ये वाला बिंदी यहाँ पे दिखाई देगा, मीन्स ये वाला कंडीशन तो हो ही नहीं सकता, तो ए तो आपका चला ही गया, तो ए आप हटा ही दो, एक दो तीन चार, चार नहीं दो ही दिखेंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। हाँ, इन दोनों में कुछ हो सकता है कंडीशन। अब ध्यान से देखो, जब इसको यहाँ से जब फोल्ड करोगे तो यह वाला डायरेक्ट आपका नीचे आएगा और ये वाला बिंदी यहाँ, सेम उसी तरह ये डायरेक्ट नीचे आएगा, इसका बिंदी यहाँ, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ये दोनों के दोनों एक साथ ऐड होंगे, मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकता, ये तब होता जब ये वाला आपका ये कहीं मिडिल में होता, तो इसलिए डी भी नहीं होगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, तो सी और डी तो होगा नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मोर के, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप इसको मोरो, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, ये पॉइंट इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इस पॉइंट पे, उसके बाद इस पॉइंट से आप इसको मोड़ दो, तो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, वापस आप इसमें चले जाओगे, तो आप रिवर्स जाके भी चेक कर सकते हो कि जो आपने सोचा वो बिल्कुल सही है या गलत। अगर आपको एप्टीट्यूड समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि टाइम टू टाइम तुमको सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम अगले संडे को, उसके बाद अगले संडे को 5 क्वेश्चन मीन्स 2023 का मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पूरा डिस्कस हो जाएगा। देखो सपोर्ट व्यूज़ आएगा मेरे इस वीडियोज़ पे, तो डेफिनेटली मैं मैक्सिमम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम्हारा व्यूज़, तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा जो डेडिकेशंस है ना, वो मुझे पावर देते हैं वीडियो बनाने के लिए। जितना ज़्यादा तुम लेजीपन दिखाओगे उतना ज़्यादा हम भी दिखाएंगे। देख लो क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। बाय बाय।